हेलो दोस्तों, स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मोहन सुथार, स्मार्ट कंप्यूटर रायसनगर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस सेलर ने अपने बायर से 1 अक्टूबर 2020 के बाद सेल्स इनवॉइस पर जो टीसीएस टैक्स चार्ज किया है, उस टीसीएस टैक्स को, यानी कि टीसीएस टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स को ऑनलाइन कैसे डिपॉजिट करवाएंगे और उसका नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगा, और टीसीएस टैक्स डिपॉजिट करवाने के बाद जो टीसीएस रिटर्न फाइलिंग के लिए क्या क्या रिकॉर्ड तैयार करने होते हैं, तो ये सब कुछ आज हम प्रैक्टिकली रूप से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम टेलीविजी, अकाउंटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड नई नई जानकारियां और नई नई अपडेशन हम देते रहते हैं। तो दोस्तों, आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक और फॉलो करें और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारा जो टीसीएस टैक्स है वो हमने कितना कलेक्ट किया है और कितना में डिपॉजिट करवाने वाला हमारी लाइबिलिटीज बनी हुई है। तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं भी मैंने ये तीन सेल्स इनवॉइस मैंने बनाए हुए हैं और इन तीनों सेल्स इनवॉइस में मैंने टीसीएस टैक्स है जो लगाया हुआ है। तो इन तीनों टीसीएस टैक्स की अमाउंट कितनी बनती है, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। जो पहला ऑप्शन है उसके लिए हम जाएंगे बैलेंस शीट पर, और बैलेंस शीट पर जाने के बाद हम एल्ट F1 के साथ डिटेल ओपन करेंगे और करंट लाइबिलिटीज में ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमें जो टीसीएस टैक्स जो हमारा बनता है वो हमें यहाँ पर से होएगा, सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स के अलावा ये जो टीसीएस टैक्स आ रहा है, और इसकी जो अमाउंट है वो 171 रुपये की हमारी लाइबिलिटीज बनी हुई है। और सेकंड जो तरीका है इसका देखने का, वो हमारे टीसीएस की जो रिपोर्ट निकलती है वहाँ पर भी हम इसको देख सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले पर, उसके बाद हम स्ट्रेचरी रिपोर्ट पर और टीसीएस रिपोर्ट पर, और जो फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है फॉर्म 27EQ को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम जिस मंथ का टीसीएस टैक्स हम डिपॉजिट करवाना है वो मंथ हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये हमारी असेसेबल वैल्यू है 227,808 रुपये, और इस पे जो टीसीएस चार्ज किया था 171 रुपये का, वो भी यहाँ पर श्योर है। तो हमें 171 रुपये का टीसीएस टैक्स है जो डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। दोस्तों, इसकी ड्यू डेट क्या होती है नेक्स्ट मंथ की, यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक जितना टीसीएस टैक्स हमने कस्टमर से लिया है उसको मैं 1 नवंबर से लेके और 7 नवंबर यानी कि नेक्स्ट मंथ के 7 दिनों के अंदर अंदर इस टैक्स को डिपॉजिट करवाना होगा। लेकिन गवर्नमेंट का रूल ये बोलता है भी ये सब कुछ रिसिप्ट बेसिस है, जैसा कि गवर्नमेंट के रूल में ये लिखा हुआ है भी TCS हैज बीन कलेक्टेड एट टाइम रिसीव्ड ऑफ सच अमाउंट रिसीव्ड बेसिस, यानी कि TCS को आपको गवर्नमेंट को तब डिपॉजिट करवाना है जब उस इनवॉइस की अमाउंट कस्टमर से आपके पास आ चुकी है। तो दोस्तों, अगर इसको प्रैक्टिकली रूप से देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम किसी भी टाइप की हेडेक से बचने के लिए इसको हम कोशिश यही करें भी इसको नेक्स्ट 7 डेज के अंदर इसको डिपॉजिट करवा दें, क्योंकि कस्टमर से जो पेमेंट आती है वो कई बार लेट भी हो सकती है, तो इसका हमें रिकॉर्ड एक रखना है बहुत मुश्किल काम हो जाएगा भी कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में TCS की अमाउंट है जो आ चुकी है और कौन सा हमने TCS टैक्स है जो डिपॉजिट करवा दिया है और कौन सा अभी भी पेंडिंग पड़ा है। तो ये काफ़ी हेडेक एक बढ़ जाएगी। तो कोशिश यही करें इसको हम नेक्स्ट मंथ की जो 7 तारीख तक जो ड्यू डेट इसकी होती है उसे हम टोटल जितनी हमारी लाइबिलिटीज बनती है प्रीवियस मंथ की उसको हम डिपॉजिट करवा दें। तो डिपॉजिट करवाने के लिए हमें गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे, गूगल क्रोम को, और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद हमें एक साइट tin/nsdl.com पे हमें जाना होगा।
तो आप डायरेक्टली गूगल में भी आप टाइप कर सकते हो ये, जैसे कि आपने गूगल ओपन किया और गूगल में भी आप सीधा डायरेक्ट टाइप कर सकते हो ई टैक्स पेमेंट। तो ये फर्स्ट लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगी, तो आपको ये डायरेक्टली इसी साइट पे ही ले जाएगा ये लिंक है जो। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद में ये टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क यानी कि ये NSDL की वेबसाइट पर हमें ले जाएगा। और टैक्स डिपॉजिट करवाने के लिए मैं यहाँ पर पे टैक्स ऑनलाइन के मेन्यू बार में क्लिक टू पे टैक्स ऑनलाइन इस पर क्लिक करना पड़ेगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद जितने भी टैक्स से संबंधित मेन्यू होते हैं वो सब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस के। तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट कॉलम आ रहा है वो TDS और TCS का आ रहा है, और उसके बाद में अलग अलग टाइप के टैक्स है, आपका इनकम टैक्स हो सकता है, आपका ये बैंकिंग है, FBT टैक्स है, कोई इंटरेस्ट टैक्स है, कोई किसी भी अलग टाइप के जो भी टैक्सेस है वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन हमें TCS टैक्स को डिपॉजिट करवाना है, तो हम TCS के कॉलम पे जाने के बाद इस प्रोसेस्ड पे क्लिक करेंगे। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो एक ये फॉर्म 281 चलान है जो हमारे सामने ओपन हो के आएगा। इस चलान में ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिलअप करनी पड़ेगी। जो स्टार है वो मैंडेटरी है, बाकी सब कुछ ऑप्शनल है। आप चाहो तो इनमें लिख सकते हो बगैर स्टार वाले में, अगर आप इसे स्किप भी करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, विद टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड एट सोर्स फ्रॉम। तो आप पे कौन सा रूल लागू हो रहा है, आप कंपनी डिटेक्टिव में आते हो या नॉन कंपनी के डिटेक्टिव में आते हो? तो मेरा जो पार्टी है वो 021 यानी कि नॉन कंपनी डिटेक्टिव में, तो इसमें नॉन कंपनी डिटेक्टिव पे मैं क्लिक करूँगा। और उसके बाद में टाइप ऑफ पेमेंट, तो इसमें मैं 200 नंबर यानी कि TDS TCS पेबल बाई टैक्स पेयर पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद में नेचर ऑफ पेमेंट, तो नेचर ऑफ पेमेंट पे जाने के बाद हमें कौन से नेचर में TCS डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो इसमें एक ऑप्शन आएगा TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। तो दोस्तों एक बात का मैं ध्यान रखना है, आप जिस दिन भी TCS टैक्स को डिपॉजिट करवा रहे हो तो एक बार ये कन्फर्म जरूर कर लें, क्योंकि हो सकता है जिस दिन आप TCS टैक्स डिपॉजिट करवा रहे हो उस दिन तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई नया अपडेट आ गया हो या इसका कोई सेक्शन चेंज कर दिया गया हो, तो ये कुछ चेंजिंग भी हो सकता है। तो आपको TCS टैक्स डिपॉजिट करवाने से पहले अपने चार्टेड अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल से इसे राय जरूर ले लेना। लेकिन जो TCS टैक्स डिपॉजिट करवाने का जो प्रोसेस है वो सब कुछ यही रहने वाला है। हो सकता है इसके नेचर ऑफ पेमेंट थोड़ी बहुत इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, लेकिन जो TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स से हमें डिपॉजिट करवाना है तो ये उम्मीद है यही ऑप्शन रहने वाला है। तो हम इसको TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप जिस दिन भी टैक्स डिपॉजिट करवा रहे हो उस दिन इसको एक बार ज़रूर कन्फर्म कर लेवें। तो मैं इसको नेचर ऑफ पेमेंट में TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स को क्लिक करूँगा, और उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट मैं नेट बैंकिंग यूज़ करता हूँ, तो मैं मेरा बैंक सिलेक्ट करूँगा। आप अपने हिसाब से बैंकिंग देख लो कौन से नेट बैंकिंग आप यूज़ करते हो। तो उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर, क्योंकि जो स्टार है वो मैंडेटरी है, सब कुछ हमें यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर यहाँ पर मैं 10 नंबर टाइप करूँगा, तो मैं यहाँ पे मेरा फर्म का जो 10 नंबर टाइप करूँगा मैं, और उसके बाद असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर मेरा 21-22 रहेगा, और उसके बाद में सिटी, मैं मेरा सिटी टाइप करूँगा रायसी नगर, और स्टेट मेरा राजस्थान। आप अपने स्टेट को चूज करोगे जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, और यहाँ पे पिन कोड भी देना कंपलसरी है, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है। आप चाहे तो यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज इन्हें यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद में ये कैप्चा कोड हमें देना पड़ेगा, और उसके बाद में प्रोसेस्ड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम प्रोसेस्ड पे क्लिक करेंगे तो एक बार हमें ये कन्फर्म के लिए ज़रूर पूछेगा भी आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है उसे आप एक बार चेक जरूर कर लें, भी जो आपने 10 नंबर डाला है, नेचर ऑफ पेमेंट जो आपने सेलेक्ट करी है, अपना नेट बैंकिंग जो सेलेक्ट किया है, अपना एरिया पोस्टल कोड वगैरह जो डाला आपने उसको एक बार चेक जरूर कर लें। तो
मेरा डाटा बिल्कुल सही है, तो मैं इसे आई एग्री पे क्लिक करने के बाद इसे सबमिट टू दी बैंक इस पर क्लिक करूँगा। तो जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमें डायरेक्ट हमारी बैंक के साइट पे ले जाएगा नेट बैंकिंग के लिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ओल्ड टास्क के साइट पे हमें इंटरनेट बैंकिंग के लिए सीधा डायरेक्ट SBI की नेट बैंकिंग पे हम आ चुके हैं। इसके बाद हम इंटरनेट बैंकिंग को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने डेबिट कार्ड या ATM से डिपॉजिट करा रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं नेट बैंकिंग यूज़ करता हूँ तो मैं इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक करके सबमिट करूँगा और सबमिट करने के बाद मुझे यूज़र आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो मैं मेरा यूज़र आईडी देता हूँ यहाँ पे और पासवर्ड भी देना पड़ेगा। और अब इसके बाद लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए ये इनकम टैक्स का जो पेन और टेन बेसिस जो फॉर्म था ये सब ओपन हमारे हो जाएगा। तो उसके बाद में हमें जितनी टैक्स की अमाउंट हमें डिपॉजिट करवानी है वो इस टैक्स के कॉलम में हमें देनी होगी। अब जितना टैक्स हमारा बनता है वो है 171 रुपये। तो ये 171 रुपये के अमाउंट हमें इस टैक्स के सामने जो कॉलम आ रहा है इसमें टाइप करनी पड़ेगी। अगर आप इंटरेस्ट वगैरह आप लेट डिपॉजिट करवा रहे हो TCS टैक्स को तो आप जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो इंटरेस्ट आप इस कॉलम में डालोगे। अगर आप इंटरेस्ट नहीं बनता है तो आपको केवल टैक्स की अमाउंट ही डालनी पड़ेगी। और उसके बाद हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरीके का एक चलान है जो डाउनलोड होके आ जाएगा। तो इसमें सब कुछ था जो हमारा 10 नंबर वगैरह था। इसमें रिसीव्ड फ्रॉम आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद में इसका जो चलान नंबर वगैरह ये सारी BSR कोड वगैरह सब कुछ ये यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो था TCS टैक्स को डिपॉजिट कराने का तरीका। और उसके बाद हमें TCS रिटर्न के लिए जो डाटा हमें तैयार करके देना होगा अपने टैक्स कंसल्टेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को या टैक्स प्रोफेशनल को, एडवोकेट को, जो भी आपके टैक्सेशन की वर्किंग देखते हैं, तो उनको आपको एक एक्सेल के इस फॉर्मेट में आप चाहो तो डाटा तैयार करके दे सकते हो। तो स्टार्टिंग में मैं हेडिंग में नेम ऑफ कंपनी यानी कि मेरी फर्म का नाम स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी है, विद TCS कलेक्टेड मंथ ऑफ यानी कि मैंने अक्टूबर 2020 का ये टैक्स कलेक्ट किया हुआ है। तो उसमें बाद पार्टी का नेम, उसके बाद उसका पेन नंबर, असेसेबल वैल्यू यानी कि कितने रुपए की अमाउंट पे TCS कलेक्ट किया है और यहाँ पे टैक्स रेट किस रेट से TCS को कलेक्ट किया है और यहाँ पे TCS की अमाउंट आ जाएगी। और उसके बाद में ये चलान से संबंधित इन्फॉर्मेशन सारी आ जाएगी भी आपका चलान का नंबर क्या था, चलान की डेट क्या थी जिस दिन आपने डिपॉजिट करवाया है, उसके बाद BSR कोड क्या है और उसके बाद बैंक का नाम क्या है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चलान से मिल जाएगी। और चलान के थ्रू आप इस फॉर्मेट को फिलअप करके अपने टैक्स कंसल्टेंट को दे सकते हो। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट टेली में से इसको भी प्रिंट आउट हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्म 27EQ के इस ऑप्शन पर हम इंटर प्रेस करेंगे तो वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर पेन नंबर शो नहीं हो रहा है पार्टी वाइज तो हम कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे यानी कि कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी शॉर्टकट की है इसकी F12, और F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में भी शो पेन नंबर ये नो है तो आप इसे यस कर सकते हैं। जैसे आप यस करोगे तो आपको ये पेन नंबर भी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसका भी प्रिंट आउट आप दे सकते हो और बाकी जो चलान से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चलान में मिल जाएगी। तो ये दोनों का प्रिंट आउट आप अपने CA या एडवोकेट जो आपके टैक्सेशन वर्किंग को देखते हैं उन्हें आप दे सकते हो। तो दोस्तों ये आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको टैक्सेशन से संबंधित नई नई अपडेट जानकारी हम देते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।